ये बड़ी साइलेंट सी प्रॉब्लम है, लेकिन ना तो आपको पता चलता है और ना ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, और ये आपकी इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा रीज़न बन जाती है। ये साइलेंट होती है इसलिए बिल्कुल पता नहीं चलता। हेलो लवली लेडीज़, वेलकम बैक टू योर चैनल यूट्यूब सहेली। आज हम जानने वाले हैं कि बड़ी साइलेंट सी प्रॉब्लम चुपचाप आपके शरीर में पड़ी रहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होने देती, वो क्या है और उसको बहुत आसानी से हल किया जाता है। हमारे बहुत सारे फॉलोवर्स ने इनको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर लिया है। आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले हम जानते हैं वो रीज़न, इन्फेक्शन। अगर आपको बार बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है, स्मेल वाला डिस्चार्ज आता है दही के जैसा, फटे दूध के जैसा, पीला, हरा, ग्रेश, इस तरीके का डिस्चार्ज होता है, तो ये इन्फेक्शन का लक्षण है। बार बार आपको यूरिन में भी इन्फेक्शन होता है, जैसे बार बार जलन होने लगना यूरिन में, और कई बार फीवर आ जाता है। लेकिन ये चीज़ें करती क्या हैं आपके बॉडी में? यूट्रस इश्यूज क्रिएट करती हैं, और अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है आपको, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन होता है, तो वो यूट्रस और ट्यूब्स को भी ख़राब कर देता है, उससे आपके हॉर्मोन्स पूरी तरह से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ट्यूब में ब्लॉकेज होना, यूट्रस में इश्यूज़ होना, बार बार मिसकैरेज हो जाना, इसकी वजह से होता है। तो आइए देखते हैं कि इन इन्फेक्शंस को भगाएं कैसे। बहुत सरल तरीका है, लेकिन जब तक नहीं जानते तब तक ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है। आज मैं आपको एकदम सस्टेनेबल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिसमें आपको कुछ खरीदना नहीं है, कुछ लाना नहीं है, बिल्कुल खुद से उसको कर लेना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, दो तीन बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है बॉडी पीएच का। जब भी इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो समझ लीजिए कि बॉडी का पीएच एसिडिक हो गया है। एसिडिक हो गया कैसे पता चलेगा? डकार आती है, हड बन रहता है, एसिडिटी रहती है, कुछ खा रहे हैं, पेट बीमारीपन हो जा रहा है, ठीक है। तो एसिडिटी अगर है तो इन्फेक्शन को आपने ही न्योता दे दिया है कि आए और आपको परेशान करें। इसलिए बॉडी पीएच को कंट्रोल करना है, थोड़ा अल्कलाइन फूड को खाइए। जैसे क्या? अल्कलाइन फूड में हरी जो सब्जियाँ होती हैं, पत्तेदार सब्जियाँ, उनको ज़्यादा खाएँ। तेल और लाल मिर्च से थोड़ी सी दूरी बना लें। सब्जी में काले मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन लाल मिर्च से बचें, पाउडर वाली लाल मिर्च से बचें। फास्ट फूड से बचें, कोल्ड ड्रिंक, जो ये डिब्बा बंद जो ड्रिंक्स आते हैं, इनसे बिल्कुल दूरी बना लें। नट्स से कुछ भिगोकर नट्स को खाएं। हरी वाली मूंग की दाल, जो हरी छिलके वाली दाल होती है, स्प्लिटेड ग्रीन मूंग दाल होती है, उसको खाएं, वो अल्कलाइन होती है। नींबू का पानी पी सकते हैं, कुकुम्बर का पानी ले सकते हैं, मोरिंगा का वाटर ले सकते हैं, मोरिंगा जूस ले सकते हैं। एप्पल सिडर विनेगर आपको फ़ायदा करेगा। वर्जिन कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल भी अल्कलाइन होता है, उसको आप अपनी कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं और अपने अंगों पर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपको इन्फेक्शन है, बहुत आराम मिलता है उससे। लहसुन, प्याज और अदरक, इन तीनों का सेवन करें। इनकी चाय, अदरक की चाय ले सकते हैं आप। इसके अलावा स्पीयरमिंट टी रेडीमेड आती है, मार्केट में ऑनलाइन मिल जाती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा। स्पीयरमिंट टी भी अल्कलाइन करती है बॉडी को। तो आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज़्यादा, तो सिंपल है कि स्पीयरमिंट को पानी में बॉयल किया, कुछ मीठा मिलाया, अदरवाइज उस वाटर को ही फिल्टर करके ले लिया। अगर कुछ आप नहीं मिला पा रहे तो भी वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। स्पीयरमिंट टी आप ले सकते हैं बॉडी पीएच को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा एक अमेजिंग चीज़ जो हमारे किचन में होती है, हम हमेशा यूज़ करते हैं, छोटे छोटे से बारीक बारीक सी चीज़ें, लेकिन बहुत बड़े इफेक्ट हैं, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके अंदर, और वो है अजवाइन। अजवाइन को खाना भी है, अजवाइन को लगाना भी है। कैसे? अजवाइन को पानी में बॉयल करके आप उसकी चाय बना के सिंपल पानी में रात को भिगो करके मॉर्निंग में ले लीजिए, बहुत अमेजिंग है, अंदर से इन्फेक्शन्स को दूर करने में हेल्प करेगा। प्लस अजवाइन को बाहर से दो तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अजवाइन की धूनी ले सकते हैं आप। धूनी के लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, चारकोल पे अंगारे थोड़े बनाने हैं, स्मोक चला जाए उसका, तब उस पर एक चम्मच अजवाइन डालनी है, और वॉशरूम में कमोड में रख के और कमोड पे बैठ सकते हैं आप, या फिर अपने बाथरूम में उसको रख कर अपने निचले अंगों पर उसका स्मोक ले सकते हैं। अजवाइन के पानी से वॉश, एक या दो चम्मच अजवाइन को एक दो लीटर पानी में बॉयल करके वॉशरूम में रख लें, और जब भी वॉशरूम यूज़ करें तो बॉडी को वॉश करने के लिए उस पानी का यूज़ करें। इसके बाद ड्राई करके आप कोकोनट ऑयल जो कोल्ड प्रेस होता है उसको यूज़ करें, तो इस तरीके से इन्फेक्शंस चले जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे इन्फेक्शन चले गए अब मुझे रेमेडी की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा गलत है। बहुत लंबे समय तक चुपचाप रहते हैं, इसीलिए ख़त्म होने के बाद भी कुछ समय तक, हफ्ते 10 दिन तक रेमेडीज़ को फॉलो करें, ताकि जड़ से अंदर से पूरी तरह इन्फेक्शन खत्म हो जाए और इसके बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी आपको। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती है और हम सभी को बहुत अच्छा लगता है आपके विचार जानकर, इसलिए कॉमेंट में अपने थाट्स, अपने दिल की बात हमें लिखना बिल्कुल न भूलें। टेक केयर, बाय बाय।